नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका इजी टू लर्न में। तो मैं इस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक और प्रॉब्लम जो किरचॉफ्स लॉ के ऊपर ही बेस है। ठीक है, चलिए तो फिर सॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को। तो ये रहा वो प्रॉब्लम जिसको हम इस लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं इस न्यूमेरिकल के बारे में कि हमको इस प्रॉब्लम से क्या फाइंड आउट करना है। चलिए तो फिर पढ़ते हैं और समझते हैं कि हमको इस प्रॉब्लम में क्या फाइंड आउट करना है। चलिए, इन द नेटवर्क गिवन इन द फिगर डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द ब्रांचेस ऑफ इम्पीडेंसेस J2 एंड -J2 यूजिंग मेश एनालिसिस मेथड। मतलब कि हमको इस नेटवर्क में से ये जो दो ब्रांच है J2 ब्रांच और -J2 ब्रांच, इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट क्या करना है हमको फाइंड आउट करना है By using mesh analysis method। कौन सी method? By using mesh analysis method। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया था और समझाया था mesh analysis method के बारे में कि किसी भी problem को हमको mesh analysis method से solve करना है तो सबसे पहले क्या करना होती है, हमको उस method में, मतलब कि हमको उस network में जितने भी meshes available है वो meshes identify करके वहाँ पे लिखने होते हैं या फिर उसको उस मैसेज को हमको नाम देना पड़ता है। चलिए तो वही वहाँ से हम शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को। तो दोस्तों कितने मैसेज है इस न्यूमेरिकल में, देखो इस न्यूमेरिकल में टोटल 3 मैसेज अवेलेबल है। देखो पहली ए जिसको हम I1 नाम देंगे, दूसरी ए जिसको हम I2 नाम देंगे और तीसरी ए जिसको हम I3 नाम देंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम KVL लगा के इस न्यूमेरिकल के इस प्रॉब्लम के हम एक एक मेश के लिए इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में डालेंगे और इसके जो I1, I2 और I3 करंट है उसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अप्लाइंग KVL ऑन लूप 1। ठीक है, अब देखो लूप 1 में अगर केवीएल लगाया तो क्या होगा, 5 I1 प्लस J2 I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 5 I1 प्लस J2 I1 माइनस J2 I2 इक्वल्स टू 50। ठीक है, अब देखो 5 प्लस J2 I1, ये देखो I1 और माइनस J2 I2 इक्वल्स टू 50। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन देंगे। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन, अब देखो हम KVL लगाएंगे दूसरे लूप में, अप्लाइंग KVL ऑन लूप 2। ठीक है, अगर हमने इस लूप में KVL लगाया तो क्या होगा, फिर देखो Therefore 4 I2 प्लस J2 I2 माइनस I1 माइनस J2 I2 माइनस I3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, 4 I2 प्लस J2 I2 माइनस J2 I1 माइनस J2 I2 प्लस J2 I3 इक्वल्स टू 0। अब देखो हम I1, I2 और I3 के जो टर्म्स है, जो टर्म्स है उसको हम अलग अलग करके सिंप्लीफाई करेंगे। देखो क्या होगा, फिर माइनस J2 I1 प्लस 4 I2 प्लस J2 I3 इक्वल्स टू 0। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेकंड इक्वेशन देंगे। ठीक है, अब देखो हम ऐसे ही
लूप थ्री में केवीएल लगा के इसका भी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। चलिए अप्लाई केवीएल ऑन लूप थ्री, देन वी गेट देयरफॉर क्या आएगा फिर 2i3 - j2i3 - i2 इक्वल्स टू -50 एंगल 90, ठीक है डिग्री। देखो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, j2 i2, इसमें i1 की टर्म है क्या? नहीं है, इसलिए j2 i2 प्लस 2 - j2 i3 इक्वल्स टू -50 एंगल 90, ठीक है। तो इसको हम क्या देंगे, इसको हम थर्ड इक्वेशन देंगे, ठीक है। तो ये रहे हमारे तीन इक्वेशन जो हमने जिसे हमने मेश 1, मेश 2 और मेश 3 से केवीएल लगा के निकाला है। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, इस तीन इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में पुट अप करेंगे, ठीक है। तो देखो राइटिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 इन मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। चलिए तो फिर लिखते हैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, क्या आएगा फिर 5 + j2 - j2 0 - j2 4 j2 0 j2 2 - j2 i1 i2 i3 इक्वल्स टू 50 0 - 50 एंगल 90, ठीक है। तो दोस्तों ये रहा हमारा मैट्रिक्स फॉर्म, इससे हमको क्या करना है, इससे हमको i1 i2 और i3 को फाइंड आउट करना है। जैसे कि आपको पता ही होगा i1 का जो i1 को फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, del1 by del, i2 को फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला है हमारा, del2 by del, और i3 के लिए del3 by del। चलिए तो फिर हम इस ये जो है हमारा, ये क्या है हमारा डिटर्मिनेंट आने की डेल। चलिए तो हम डेल को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद del1, del2 और del3 को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो डेल क्या होगा फिर 5 + j2 - j2 0 - j2 4 j2 0 j2 2 - j2, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा फिर 5 + j2 4 - j2 - j2 j2, ठीक है, प्लस j2 - प्लस, ठीक है माइनस प्लस हो जाएगा, -j2 - 2 - j2, ठीक है। तो फिर क्या आएगा, del इक्वल्स टू होगा क्या होगा 84 - 24 i। इसको हम हमारे हमारा जो कैलसी है उसको कॉम्प्लेक्स मोड में ले जाकर हम इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डेल, अब हम del1, del2 और del3 निकालेंगे। चलिए देखो del1 क्या होगा फिर, del1 = 50 - j2 0 0 4 j2 - 50 एंगल 90 j2 2 - j2, ठीक है। क्या होगा फिर del1 = 50 4 2 - j2 - j2 into j2, ठीक है,
प्लस, यहाँ पे लिखते हैं प्लस जे टू, जे टू इंटू 50 एंगल 90 इक्वल्स टू क्या होगा फिर 600 माइनस 600 जे। ये हो गया हमारा डेल वन। अब हम क्या निकालेंगे डेल टू। डेल टू क्या होगा फिर, डेल टू होगा 5 प्लस जे टू 50 जीरो माइनस जे टू जीरो, जे टू जीरो माइनस 50 एंगल 90 टू माइनस जे टू। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे जैसे डेल वन को किया। क्या होगा फिर 5 प्लस जे टू 50 एंगल 90 इंटू जे टू माइनस 50 माइनस जे टू 2 माइनस जे टू। ठीक है, तो क्या होगा फिर डेल टू इक्वल्स टू माइनस 300। ठीक है, इसको भी आप कैलसी में ही सॉल्व करना कॉम्प्लेक्स मोड में जाके, वैसे ही डेल थ्री को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेल थ्री इक्वल्स टू क्या होगा फिर 5 प्लस जे टू माइनस जे टू 50 माइनस जे टू प्लस 4 इक्वल इथ 0 0 जे टू माइनस 50 एंगल 90 इक्वल्स टू क्या होगा 5 प्लस जे टू 4 इंटू माइनस 50 एंगल 90 प्लस जे टू, जे टू 50 एंगल 90 प्लस 50 माइनस जे टू इंटू जे टू। ठीक है, तो इसको भी आप कॉम्प्लेक्स मोड में ही सॉल्व करना कैलसी के, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा 600 माइनस जे 1200। ठीक है, ये रहा आपका डेल थ्री जो हमने इस इक्वेशन से इस मैट्रिक्स फॉर्म में से सॉल्व आउट किया है। ठीक है, अब देखो हम आई वन निकालेंगे। सबसे पहले आई वन इक्वल्स टू डेल वन बाय डेल। ठीक है, अब डेल वन क्या है हमारा 600 माइनस 600 जे। हमारा डेल कितना था, डेल था हमारा 84 माइनस 24 जे। ठीक है, तो हमारा डेल आई वन कितना आएगा फिर, आई वन आएगा हमारा जे, सॉरी 8.4906 माइनस जे 4.717। तो ये रहा हमारा आई वन। ठीक है, ऐसे हम आई टू आई थ्री को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आई टू को फाइंड करते हैं। आई टू कितना आएगा फिर हमारा, आई टू होगा, आई टू कितना था मतलब डेल टू कितना था माइनस 300। ठीक है, अपॉन डेल 84 जे 24 कितना आएगा फिर, आई टू इक्वल्स टू माइनस 3.3019 माइनस जे 0.9434। ठीक है, तो ए रहा हमारा आई टू। अब देखो आई थ्री निकालेंगे। आई थ्री इक्वल्स टू डेल थ्री कितना आया था हमारा 600 माइनस जे 1200 अपॉन डेल 84 माइनस जे 24। आई थ्री कितना होगा फिर, आई थ्री होगा 10.3774 माइनस जे 11.3208। ठीक है, तो ये रहा हमारा आई थ्री। देखो तो हमारे पास अब
I1 करंट भी है, I2 भी है और I3 है। अब देखो इस नेटवर्क को अच्छे से, हमको कौन से एलिमेंट में से करंट फ्लो होने वाला फाइंड आउट करना था, इस J2 और -J2 इसमें से कौन सा करंट फ्लो हो रहा है। इसमें से देखो I1 -I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसमें से I2 -I3 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो देखो हम J2 प्लस J2 को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो प्लस J2 यानी कि क्या होगा फिर I1 माइनस I2, ठीक है। अब देखो हमारा I1 कितना था, J2, ठीक है। हमारा I1 कितना था, हमारा I1 था 11.7925 माइनस J कितना आएगा फिर, देखो J2 I1 कितना था हमारा, तो I1 था हमारा 8.4906 माइनस J 4.717, ये था I1। अब हमें इसके साथ माइनस कौन सा करना है करंट, I2। तो देखो माइनस माइनस जाने दो, बाद में देखेंगे। 3.3019 माइनस J 0.9434, ठीक है। देख तो क्या होगा फिर, होगा अब इसको भी हम कैल्सियम में सॉल्व कर सकते हैं, आप कर लेना और J2 फाइंड कर लेना। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको आंसर लिख के देता हूँ कि कितना आएगा फिर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा J2 का 11.7925 माइनस J 3.7736 एम्पियर, ठीक है। ये आंसर होगा आपका J2 का प्लस J2 का। अब देखो माइनस J2 को फाइंड करने के लिए हमको कौन सा करंट पता होना चाहिए, I2 और I3, ठीक है। तो हम इसे क्या कैसे लिख सकते हैं माइनस J2 को फाइंड आउट करने के लिए, माइनस J2 करंट थ्रू माइनस J2, देखो क्या होगा फिर, I2 माइनस I3, ठीक है। देखो इक्वल्स टू I2 कितना है फिर हमारा, देखो यहाँ पे -3.3019 माइनस J 0.9434, ठीक है। इसके साथ माइनस करना है हमको I3 करंट, ठीक है। 10.3774 माइनस J 11.3208, ठीक है। तो इसको भी आप कैल्सियम में सॉल्व कर लेना, मैं आपको सिर्फ आंसर लिख के देता हूँ कितना आएगा, -13.6792 प्लस J 10.3774 एम्पियर, ठीक है। ये रहा प्लस J2, ठीक है। तो ये रहे हमारे दो ब्रांच के करंट जो इस सर्किट में से फ्लो हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।